हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज है संडे और अभी टाइम 10:30 बज रहा होगा और मैं रेडी होके नीचे आ गई हूँ। हम लोग कहीं जा रहे हैं, संजीव भैया, आशीष भैया और सुनीता भाभी, डोयल और मैं। इसके पापा नहीं जा रहे हैं। इनका खुशी फ्रेंड्स देख सकते हैं कैसे हम लोग को बाय कर रहे हैं। इनका तो अलग ही खुशी है भाई साहब, हम लोग घर पर नहीं हैं। और फाइनली हम लोग निकल गए हैं फ्रेंड्स। और देखिए, हम लोग के गाड़ी में एक सीट खाली है। हम लोग किसी को लाने के लिए जा रहे हैं। किसको लाने के लिए जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद मैं आपको बता दूंगी फ्रेंड्स। तो जो भी फॉलो नहीं किए हैं प्लीज जल्दी से जाके फॉलो कर दीजिए। अभी हम लोग ध्रुवा पहुंचे हैं और भाई साहब मुझे ये क्या दिख गया, इस कार का नाम आप लोग कमेंट कीजिए। ये तो मेरे सोच के भी बाहर है फ्रेंड्स। तो हम लोग जाएंगे खूटी रोड तरफ। हम लोग जा रहे हैं सोनी भाभी को लाने के लिए, उनका मायके। तो हम लोग यहाँ से मिठाई ले लेंगे। और सोनी भाभी को आप लोग मेरे पहले ब्लॉग में देखे हैं और जो नहीं देखे मैं आपको थोड़ी देर के बाद उनसे मिला दूंगी। तो हम लोग यहाँ पे मिठाई ले लिए और ये प्याजी लिए थे और प्याजी बहुत टेस्टी था फ्रेंड्स। और हम लोग को रास्ते में ये चर्च दिख गया तो बहुत सुंदर लग रहा था, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा फोटो खिंचाया। यहाँ से हम लोग जाएंगे सोनमेर मंदिर, जो कि कर्रा खूटी रोड से 6 किलोमीटर दूर है और इस गेट से और 500 मीटर दूर है। तो ये है मंदिर और ये दुर्गा मंदिर है फ्रेंड्स। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है और यहाँ पे मुर्गा का बलि भी चढ़ता है। और ये है शिव पार्वती जी का मंदिर, ये पहले नहीं था, अभी नया बना है। तो दर्शन हम लोग का बहुत अच्छे से हो गया और रांची से सोनमेर मंदिर का दूरी लगभग 60 किलोमीटर जैसे ही होगा। और मैं यहाँ पे कभी आऊंगी तो अलग से आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं सोनी भाभी के मायके, जो की अम्मा पकना में है। फिर यहाँ पे 2-3 घंटा गाड़ी में बैठने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए फ्रेंड्स। और ये है उनकी बहन, फिर हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए। फिर यहाँ पे हम लोग अंदर आए और इतना सारा मनी प्लांट भाई साहब मुझे देख के बहुत लालच आ गया फ्रेंड्स। और ये है सोनी भाभी, वो कैमरा में आ ही नहीं रही थी, ये उनकी मम्मी है, बहुत प्यारी है फ्रेंड्स। और ये है अनिका, अनिका को हम लोग लेने आए, इसको थोड़ा बुखार आया था तो अपने पापा के पास से कहीं जा नहीं रही थी। और अभी 3 बजने वाला है और अभी हम लोग लंच कर रहे हैं और लंच में बहुत कुछ बना था फ्रेंड्स और इतना टेस्टी खाना खा के पूरा मजा आ गया। फिर खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा बगान तरफ आ गए और यहाँ हमारे भैया जंगल में मंगल कर रहे थे फ्रेंड्स। देखिए इनको, ये पहले से ही यहाँ पे थे। और ये देखिए, ये शरीफा का पेड़ है और यहाँ पे अमरूद का, आम का, मतलब हर फ्रूट का यहाँ पे पेड़ था फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारा अमरूद तोड़े। और यहाँ पे देखिए सोनी भाभी आई तो मैं चुपके से यहाँ पे इनका वीडियो बना ली, इनको पता नहीं चला। फिर हम लोग यहाँ पे बहुत सारा अमरूद तोड़ के खाए, जो कि बहुत मीठा था फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम लोग बैठ के अभी कुछ खा रहे थे। हम लोग जब से आए तब से मुंह हम लोग का चल ही रहा है, कुछ ना कुछ हम लोग खा ही रहे हैं। तो फाइनली देखिए सोनी भाभी रेडी हो गई, अब वो कैमरा के सामने आई फाइनली। अभी हम लोग का जाने का टाइम आ गया, इनको मन नहीं कर रहा था जाने का तो एक्टिंग कर रही थी। और यहाँ पे सच में हम लोग भी आए तो हम लोग को भी जाने का मन नहीं कर रहा था, यहाँ पे इतना कोई था। यहाँ पे ये उनकी छोटी बहन है। तो फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं और अभी सोनी भाभी का विदाई का टाइम हो गया है और अभी बहुत शाम भी हो गया है और हम लोग को रांची पहुंचते पहुंचते रात भी हो जाएगा। और ये है कितनी क्यूट सी बच्ची है, ये है सोनी भाभी की बहन की बेटी, जो कि बहुत क्यूट थी फ्रेंड। फिर यहाँ पे हम लोग को काशी फूल दिख गया, आप लोग क्या बोलते हैं इसको कमेंट कीजिएगा, हम लोग तो काशी फूल बोलते हैं। और जब भी मुझे ये काशी फूल दिखता मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा आने वाला है फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट का खेती हुआ था, मैं सामने से नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत कीचड़ था। फिर हम लोग यहाँ पे ध्रुवा डैम पहुँच गए और बहुत अंधेरा हो गया था फ्रेंड्स। फिर हम लोग यहाँ पे चाट खाने के लिए रुके हुए थे और यहाँ का चाट बहुत टेस्टी था फ्रेंड्स। यहाँ पे आलू टिक्की चाट, पापड़ी चाट, कचौड़ी चाट मिल रहा था। ये ध्रुवा डैम के बगल में ही बैठता, जो कि बहुत टेस्टी था। हम लोग यहाँ पे चाट खा लिए। फिर हम लोग को यहाँ पे भुट्टा दिख गया और हम लोग को गर्मा गर्म भुट्टा खाने का मन किया फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे अपना खुद पका के खा रही हूँ क्योंकि भैया बहुत लेट कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पे भुट्टा खा के फाइनली घर आ गए फ्रेंड्स। तो जो भी फॉलो नहीं किए हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो में।